अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। आज आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूं और आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। आज का व्लॉग बहुत बहुत मज़े का है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। और आज बन रहे हैं पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न मैंने घर में बनाने बहुत तकरीबन एक साल पहले शुरू किए। पहले मैं उससे पहले कर्नल पॉप लाती थी और वो एक्सपेंसिव भी बहुत पड़ते हैं और 3 पैकेट होते थे उसमें एक डब्बे में और एक्सपेंसिव भी होते थे। और दूसरा, उसमें से जो घी की स्मेल आती थी ना, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इंस्टेंट तो बन जाते, मैं यहाँ से टाइम इतना ही लगता है जितना चूल्हे पे लगता है इस बनाने में। तो बस मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेफर किया कि मैं घर पे बनाना शुरू करूँ। मैंने इसमें 1 चम्मच तकरीबन 2 चम्मच घी ले लिया है, या 1.5 चम्मच कर लें घी ले लिया है। और ये 2 हाथ मैंने इसमें कॉर्न के डाल दिए हैं और ऊपर से मैं हल्का सा इस पे जो सॉल्ट है वो स्प्रिंकल करूँगी। अगर आप सॉल्ट ज़्यादा वाला पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा थोड़ा सा डाल लें। एक्चुअली मैं पहले बनाती थी बिल्कुल लो आंच पे, तो वो थोड़े से ना फ्रेश नहीं बनते थे, तो मेरा थोड़ा दिल नहीं करता था घर के खाने का। और फिर भी मैं प्रेफर करती थी कि मैं बाज़ार वाले ही खाऊँ। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने एक दिन ऐसे तेज़ आंच करके बनाए और आप यकीन करें मुझे तब से इतने अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि अब तो मैं वो कर्नल पॉप तो सोचती भी नहीं हूँ। और ये फ्रेश भी बहुत होते हैं, मैं बच्चों को हर अनदर डे बना के देती हूँ। और इसकी तेज़ आंच कर दी है मैंने और पहले तो इसको थोड़ा सा गर्म करने दिया है। जब एक अंदर से मैंने देखा ना, 1-2 फूल गए हैं, तो फिर मैंने इसकी हल्की आंच करके इसको साथ साथ हिलाती रही हूँ। हल्की नहीं, लो टू मीडियम कर लें आंच। और आपने बर्तन ऐसा लेना है जिसका जो नीचे वाली साइड है थोड़ी सी पतली हो ना। ये स्टील है और ये डबल पैंदे वाली देखती नहीं थी, सिंगल वाली है, तो इसलिए मैं इसमें बनाती हूँ। और बच्चों के लिए माशाल्लाह बन जाते हैं इतने कि वो पेट फुल करके ना खा लेते हैं। इसको साथ साथ आप हिलाते रहें ताकि जो नीचे होंगे वो जल ना जाएं। और ये देखें, इतने ज़्यादा ये बन गए थे कि इसकी प्लेट तक ऊपर आ गई थी। ये देखें कितने अच्छे और मज़े के बने थे। ये बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं, स्नैक्स के तौर पे उनको दे देती हूँ, कभी रात को बना के दे देती हूँ। वो ये है कि थोड़ा टाइम पास हो जाता है उनका। तो बच्चे अंदर बैठ के टीवी देख रहे थे तो मैं इनके लिए लेके गई अंदर और ये मैंने नुमैर को दे दिए और ये सुमैर मुझसे नाराज़ हो गया। मैं इनको ये भी कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ कि शेयर करना अच्छी बात होती है। तो अगर मैं 2 बर्तन में डाल के देती तो शेयरिंग इनको नहीं आती ना ऐसे। तो कुछ कुछ चीज़ों में आप इनको शेयरिंग सिखाया करें। इधर जी एक DIY हो रहा है। मेरे पास एक बॉटल पड़ी थी जूस वाली और उसको मैंने पेंट करना है। और पेंट जो है वो उसमें मैंने थोड़ा सा ना पानी ऐड कर लिया है। नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगी कि पहले मैं वाइट पेंट करूँगी और ऊपर दूसरा वाला करूँगी। ये भी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन इसके लिए ना मुझे डबल कोटिंग करनी पड़ी है। तो ये जो बॉटल थी, ये जूस हम लोग लाए थे उसकी बॉटल खाली हुई हुई थी, तो मैंने कहा मैंने तो इसका कुछ ना बना के रखना है, तो अच्छा सा बहुत सा इसका बना दिए देते हैं। तो आपने इसमें पेंट में ये ख्याल रखना है, एक तो अभी इसकी डबल कोटिंग होगी और इसको थोड़ा सा ना मैंने सनलाइट में रख के तो ड्राई कर लिया था। और आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि जो आप इसको स्ट्रोक दें ना पेंट के, वो सीधे हों। अगर वो टेढ़े मेढ़े होंगे तो आपकी पूरी बॉटल की लुक ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश करें कि सीधे सीधे स्ट्रोक रखें। और मैंने नीचे गार्बेज बैग बिछा लिया था। गार्बेज बैग से ये होगा कि जो काउंटर है वो गंदा नहीं होगा, क्योंकि मैं किचन के काउंटर पे रख के कर रही थी। और गार्बेज बैग तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं बाद में ना, तो इतना बड़ा इशू नहीं था। देखिए अभी भी मैं डबल इसकी कोटिंग कर रही हूँ, फिर मैं इसको सनलाइट में रखूँगी और फिर मैं इसको एक और कोट करूँगी और फिर सनलाइट में रखूँगी, तो वो बहुत अच्छी ना इसकी लुक आ गई थी।
मेरे बाद नुमैर ने भी मुझसे पेंट लेके, तो एक बॉटल लेके उसने भी पेंट की थी। देखे बच्चे जो माँ बाप को करते देखते हैं ना, बच्चे भी वही करने की कोशिश करते हैं। और मैंने उसको बॉटल भी दी, मैंने उसको पेंट भी डाल के दी, और माशाल्लाह मैं उस आपसे शेयर भी करूँगी। उसने जो बॉटल बनाई थी बहुत बुरी भी नहीं थी, लेकिन उसकी एज के हिसाब से बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। लेकिन उसने ट्राई किया कि मामा कुछ कर रही हैं, मामा कुछ डिफरेंट कर रही हैं, तो मैंने भी करना है। ये मैंने बैठ के इस पे स्ट्रॉबेरीज बनाई थी, तो मैंने कहा कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बना रही थी। बाकी वैसे ही मैं खाना साथ बना रही थी, तो साथ साथ मैं स्ट्रॉबेरीज बैठ के बना रही थी, तो शूट इसलिए नहीं की थी। तो ये एंड वाली जो दो तीन लाइंस थी ना, ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैंने इसमें रेड पेंट ले लिया और ग्रीन पेंट ले लिया, और इसको ट्रायंगल सा बना लिया, या नीचे से थोड़ा सा ना इसको चौड़ा रख लिया था मैंने। ये देखें, रेड कलर की मैंने नीचे स्ट्रॉबेरी बना ली, और ऊपर ग्रीन कलर के ना इसके मैंने लीव्स बना लिए। इस टाइम वो ऊपर जो उसकी डनिया सी होती हैं वो बना ली मैंने। अच्छा, डनियों के नीचे एक मैंने ग्रीन लाइन दी है ताकि वो ना मिक्स ना हो जाए। ये मैंने बहुत क्लोज एक बना दी थी, ये मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अच्छी लग रही है ना। जब मैंने एक्चुअली इसमें ना मनी प्लांट लगाना है, इसको अच्छा सा बना के इसमें मनी प्लांट लगाऊंगी। मुझे आजकल मनी प्लांट्स का बहुत शौक आया हुआ है, और आप लोग दुआ करें कि मेरे घर में जल्दी जल्दी अच्छे से मनी प्लांट्स हो जाएं, कि मैंने लगाए हुए हैं तो वो जल्दी जल्दी ग्रो करें। और एक घर में ना फ्रेश सा फील होता है बंदे को, और अच्छे लगते हैं घर में लाइव प्लांट्स होने चाहिए। आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, बाहर तो लगाने ही चाहिए, घरों के अंदर भी इंडोर प्लांट्स ज़रूर लगाया करें। हेल्थ भी अच्छी रहती है, बंदे का मूड फ्रेश होता है, और हर प्लांट का अपना एक ना वो होता है कि वो उसके कोई ना कोई फ़ायदे ज़रूर होते हैं। इवन कोई फ़ायदा ना भी हो, तो एटलीस्ट आप उसको देख के ना आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन और फ्रेशनेस सी फील होगी कि हमारे घर में ना कुछ फ्रेश लगा हुआ है। तो ये जी मेरी सारी स्ट्रॉबेरीज बन रही है, और ये सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी बन गई लगता है, ये नुमैर की है। उसको स्ट्रॉबेरीज उसकी फेवरेट है, ट्रस्ट मी, उसको आप 1 kg स्ट्रॉबेरी दे देंगे वो खा लेगा। उसको उसके लिए हम लोग पता क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं स्ट्रॉबेरीज को, तो फिर जो समर्स में ना जब उसको स्ट्रॉबेरी की क्रेविंग होती है, तो निकाल के उसको डीफ्रॉस्ट करके दे देते हैं, या शेक बना के दे देते हैं, तो वो खा लेता है ना, पी लेता है। तो ये जी स्ट्रॉबेरी की तारीफ होगी। इसके साथ साथ मैं पेंट कर रही थी, मैं ना शॉप से लाई थी एक बेल सी, ये मैंने ये ली थी रहमान से, और ये ऑलमोस्ट मुझे मिल गई थी 270 या 290 की मिल गई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा ये इसके ऊपर ना ग्लू गन से लगा के, तो इसके ऊपर ये जो बॉटल वाला इसके लिड वाला जगह है ना, इसको कवर करना है, क्योंकि वो बुरी लगती है, पता तो लगता है कि ये जूस वाली बॉटल है या कुछ ऐसा है। ये आपको जो ब्लैक वाला वो निशान नज़र आ रहा है ना स्ट्रॉबेरीज के दरमियान में, ये नुमैर ने मेरी बॉटल ख़राब कर दी थी। उसने रेड वाला पेंट भी गीला था, तो उसने हाथ लगा के ना डिफरेंट जगहों पे लगा दिया था। फिर उसको कवर करने के लिए मैंने ऊपर हल्का हल्का दोबारा पेंट लगाया, लेकिन वो जाहिर है ये ग्लास है, तो इससे थोड़ा सा ना फील होता है। बहरहाल ये बेल मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मेरा प्लान था कि मैं इस पर सिंपल जूट लगाऊंगी, लेकिन सिंपल जूट भी मैं लेके आई, वो किसी और चीज़ पे लगाऊंगी, तो मैंने ये वाली ना इस पर अप्लाई की।
मुझे कलरफुल चीज़ें और डिसेंट सी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं घर में, और मेरा दिल करता है कि पैसे बंदा DIYs पे भी लगाता है और घर की सारी चीज़ें जो होती हैं बंदा बाय भी करता रहता है। लेकिन जो चीज़ आप अपने हाथ से बना के रखें, जो चीज़ जिस चीज़ में आपका प्यार शामिल होता है ना अपने घर के लिए, उस चीज़ से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। मैंने इस पे मेहनत की, मैं जब भी इसको देखती हूँ तो मुझे एक फीलिंग आती है कि हाँ मैं अपने घर के लिए ना कुछ कर रही हूँ। तो आप भी छोटी छोटी चीज़ों को खुद उनको अच्छा बनाया करें, ट्राई किया करें। छोटी छोटी चेंजेस जो होती हैं ना घरों में, वो आपको फील कराती हैं कि आपको अपने घर से कितना प्यार है। इसमें मैंने पानी फिल कर लिया था और पानी फिल करके ये मैंने इस पे मनी प्लांट लगा दिया था। आई होप आपको मेरा ये वाला तरीका अच्छा लगा होगा, और अगर आपके पास भी कोई हॉली बॉटल हो तो उसको भी पेंट कीजिएगा और उसको अच्छा सा बनाइएगा, घर की लुक ही चेंज हो जाती है। अगर आपको मेरा कोई भी दोनों चीज़ों में से अच्छी कोई चीज़ लगी, कोई बात अच्छी लगी, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।